19 में अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के म्यूकर माइकोसिस बोर्ड की स्टडी में सर्जरी होने के बाद फिर फैल रहा ब्लैक फंगस। SMS अस्पताल में अब तक 27 केस पहुंच चुके हैं। इस तरह के प्रॉपर मेडिसिन नहीं लग पाने से बढ़ सकता है फंगस। SMS में अब तक करीब 450 ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचे हैं। 410 की हो चुकी है सर्जरी। ब्लैक फंगस के करीब 25 मरीज जिनके दिमाग तक पहुंच गया है फंगस, उनकी मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस की मुख्य दवा एम्फोटोरिसिन नहीं होने की वजह से लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है। जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में महिला की हत्या। शालीमार चौराहे के पास स्थित एक फैक्ट्री में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव। सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस पहुंची। मौके पर FSL टीम को बुलाया गया। मौके पर अभी तक नहीं हो सकती मृतिका की शिनाख्त। राजाराम गुज्जर के कोर्ट में पेशी। आज निलंबित में सौम्या गुज्जर के पति राजाराम गुज्जर और BVG कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे को गिरफ्तार करने का मामला है। SEBI आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी करेगी और वहीं कोर्ट में पेश होने के अनुसंधान के लिए माफी मांगी जाएगी। आरोपियों की रिमांड, वहीं आरोपियों की सीज किया मोबाइल व अन्य दस्तावेजों की भी की जाएगी जांच। ऑनलाइन चलेगा प्रशासन शहरों के संग अभियान। अभियान को लेकर तैयार ऑनलाइन पोर्टल का आज होगा शुभारंभ। UDH मंत्री शांति धारीवाल करेंगे पोर्टल का शुभारंभ। दोपहर 2 बजे मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी निवास पर होगा कार्यक्रम। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे प्रेस वार्ता। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस वार्ता। PCC मुख्यालय पर मीडिया से होंगे रूबरू। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले परिवारों का अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करे। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकती। सरकार अपनी नीति के मुताबिक पीड़ित परिवार को राहत देने का निर्णय ले सकती है। उड़ीसा में फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़। 16,000 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं जिसमें 7 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक्टिविस्ट सिम कार्डों का इस्तेमाल ज्यादातर साइबर अपराधी करते हैं क्योंकि उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किया जाता है और अगर जांच की जाए तो कागजातों के बल पर उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता जो उनका उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान BJP के हाल ही में वायरल हुए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के 22 साल पुराने लेटर ने पार्टी में तहलका मचा दिया है। इस लेटर बम के जरिए वसुंधरा राजे गुट ने पूनिया का नाम लिए बगैर उन पर जोरदार हमला बोला। भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भाबड़ा ने पीठ में चूरा घोंपकर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं की छाती पर पैर रखकर टिकट कटवाया है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता अपना अपमान को सहने की स्थिति में नहीं है। इतने दिन का लगातार उपेक्षा में मैं स्तब्ध हूँ। मैं इस मानसिकता को कहीं नहीं मोड़ सके। प्रदेश अध्यक्ष पद पर बना रहूं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़े निर्णय लेते हुए अब राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। इसके टॉप ब्यूरोक्रेट्स के लेकर पियोन तक सभी शामिल होंगे। पहले केवल राजपत्री अधिकारियों के लिए ही प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन अनिवार्य था लेकिन अब सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में आती तेजी दिख रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अस्पतालों में कोरोना से मौत होने पर शव को घर ले जाने की अनुमति दे दी है और अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति मंगलवार को दे दी। ऐसे में परिवार वाले अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार कर सकेंगे। मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राज्य में अभिनेता के तौर पर करियर की शुरुआत की गई। 39 साल में राज एक फिल्ममेकर थे। उनके सामने आ रही जानकारी के अनुसार राज कौशल का निधन बुधवार सुबह 4:30 बजे हुआ। राज कौशल के निधन पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने शोक जताया।